अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने एक लैपटॉप परचेज़ किया था, i5 7th जनरेशन, और मैंने आपको दिखाया नहीं था। मैंने आपको कहा था कि मैं इसका रिव्यू दूंगा, तो चलें वो उसका रिव्यू देते हैं और आपको लैपटॉप दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नानी के घर रेहान की, क्योंकि रेहान अली रहने जा रहे हैं नानी के यहाँ अपनी, और फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको लैपटॉप दिखा देता हूँ, कौन सा लैपटॉप लिया था। अच्छा, लैपटॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, मैंने ये लैपटॉप लिया था, डेल XPS 13, और ये टच स्क्रीन है, इसकी ग्लास स्क्रीन है, ये खास खुलता नहीं, ये टच स्क्रीन है और ग्लास स्क्रीन है। तो ग्लास स्क्रीन का एक अलग ही डिस्प्ले होता है, तो मुझे ग्लास स्क्रीन ही पसंद है, क्योंकि मैंने डेल XPS 12 लास्ट यूज़ किया हुआ है लैपटॉप। तो मैंने डेल XPS 13 लिया, i5 7th जनरेशन, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, 8 GB ऑफ रैम है इसमें और 256 SSD लगी हुई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी का इशू आ रहा है। आपको पता होगा लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग में दिखाया था, 8:30 बजे मार्केट की लाइटें बंद हो गई थी, तो चार्जर वगैरह मैं चेक नहीं कर पाया था, तो मैं ले आया था लैपटॉप। लेकिन जब मैंने यहाँ आके यूज़ किया है तो पता चला इसकी बैटरी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कॉल कर दी थी उनको जिनसे मैंने परचेज़ किया, उन्होंने कहा है मैं आपके लिए एक लैपटॉप चेक करके रखता हूँ, ताकि अगली बार आप आएंगे तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, तो हम लोग इसको वापस चेंज करवाएंगे और लेने जाएंगे। अच्छा, इसमें बैटरी का इशू आ रहा है, चार्जर लगाएं तो कच कच चल रहा है, और कुछ कीपैड्स का भी इशू है, इसमें कीपैड्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो चलें ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और रेहान अली लोग को छोड़ के आते हैं नानी के यहाँ। Few moments later. और रेहान अली कितने दिन के लिए जा रहा है? 5,000 दिन। 5,000 दिन के लिए जा रहा है? 1 वीक के लिए जा रहा है बेटा। रेहान अली जा रहा है रहने के लिए, तो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं नानी के यहाँ। और ये मैं कल लाया था, ये मॉस्किटो किलर, ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो ये लाया था, और सामान इनका पैक है बच्चों का, बस छोड़ने जा रहे हैं। तो 20 minutes later. रेहान अली दिन में सोया नहीं, नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, और अभी देखें मेरे कंधे पे सर रख के गाड़ी में सो रहे हैं। 1 hour later. नाते के साथ कपड़े चेंज कर लिए और नाना से आम ले लिए, आम खाएंगे रेहान अली। हैं रेहान अली आम खाएगा? मैं अभी तक आम लाया नहीं, क्योंकि आम आते हैं अभी इस वक्त खट्टे, और लेकिन इनके नाना ले आए हैं, अभी देखते हैं खाएंगे, टेस्ट करेंगे। रेहान अली मीठा है? ओ पापा जा रहे हैं, चलो पापा की याद आएगी। हैं एक हफ्ते बाद जाएंगे, पापा की याद आएगी। फोन करेगा पापा को? पक्का? चलो आजल, आप आजल फातिमा से मिले। आजल फातिमा सो रही है, अली गुड्डा सो रही है। सो जाओ 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 सो जाओ। मेरा बेटा सो जाओ, हम बाबा जा लें, ठीक है, मम्मा को तंग नहीं करना, सही है, रात में तंग नहीं करना, छो जाना। आयजल को लेके जा रहा हूँ, आप मम्मा के साथ रहो, आयजल बाबा के साथ रहेगी, सही है, सही है। क्या कान दूँ? नानी नाना मम्मा आयजल तुम्हें हम छोड़ गए थे, आप गए ना तो आप बोझ। अरे कहना क्या चाहते हो? अकेले अकेले सो? हाँ। मैं अकेले क्यों सो? चलो ना, मैं नहीं, क्या रुक रहा, मैं आयजल को ले जाता हूँ ना, मैं आयजल को ले जाता हूँ। और लो हमारी बच्ची बच्ची को दो। नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ ना, गुड्डू रानी को यहाँ रुकोगे? गुड्डू रानी उठ गई, गुड्डू रानी उठ गई, चलो आजो आजो बच्चो। मेरा गुड्डा, चलो 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 चले, ठीक है, लपेज चलो। पहले मेरे रेहान अली लोग को छोड़ दिया है नानी के घर, अब वो एक हफ्ता रहेंगे, फिर उनको लेने आएंगे इंशाल्लाह। Few moments later. मैं भी घर पहुंचने वाला हूं, और
और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।